कैसे हैं आप लोग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिजिटल क्यूर। दोस्तों अगर आप लोग की भी एप्सन L805 प्रिंटर में ऐसी कुछ दिक्कत आती है जिसमें सारी लाइटें एक साथ ब्लिंक करती हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, इसी सॉल्यूशन के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई गई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आती हैं तो इसका क्या सॉल्यूशन है दोस्तों, ये पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा, तो हमारे चैनल के साथ बने लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे प्रिंटर में अभी सभी लाइटें जल रही है, तो हमें करना है क्या दोस्तों, सिंपली हमें यहाँ पर से इसको कवर हटाना है और कवर हटाने के बाद में आपको जो हेड शो हो रहा है इसको आप लोगों ने राइट साइड की तरफ स्क्रॉल कर देना है और आपके प्रिंटर को यहाँ पर से रिस्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना है। तो अभी हम लोग इसको पावर ऑफ कर लेते हैं, यहाँ पर से देख सकते हैं पावर ऑफ हो चुका है प्रिंटर और थोड़ी देर इसको ऐसे रहने देंगे जब तक ये आवाज़ आएगी इसमें से। तो देख सकते हैं हमारा प्रिंटर यहाँ पर से फुल्ली ऑफ हो गया। अब हमें पावर ऑन करना है और यहाँ पर से जो हेड है, हेड की स्क्रॉलिंग होगी दोस्तों अपने आप, देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में हेड फुल्ली स्क्रॉल होगा। तो अभी हमारा प्रिंटर यहाँ पर से रिस्टार्ट हो रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो ये आपको जो सॉल्यूशन बताया गया दोस्तों 101% वर्क करेगा और अगर फिर भी नहीं करता तब भी इसके बारे में वीडियो में जानकारी दूंगा दोस्तों। और अगर आप लोग की सॉफ्टवेयर की दिक्कत आती है एप्सन L805 में या इसको रिसेट करना है, इसका इंक पैड फुल हो गया उसको रिसेट करना है, तो आप लोग हमें कमेंट करिए, इसके लिए सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो देख सकते हैं अभी भी हमारी लाइट यहाँ पर जल रही है। तो इसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या होती है दोस्तों, अगर आप लोग की फिर से अगर लाइट जल रही है तो आप लोग एक बार यहाँ पर से अपने कार्ड के यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ फंसा तो नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ, देख सकते हैं हमारे एक कार्ड यहाँ पर रुका हुआ है जिसकी वजह से ये सेंसर इसको जाम कर रहा है। तो सिंपली मैं इस कार्ड को यहाँ पर से निकाल लेता हूँ, देख सकते हैं ये कार्ड फंसा हुआ था इसी की वजह से दिक्कत आ रही थी। अब मैं सिंपली यहाँ पर से फिर से एक बार हेड को अंदर की तरफ दबाता हूँ और इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने पावर ऑफ कर दिया यहाँ पर प्रिंटर को और अभी देखते हैं ये थोड़ी देर पावर ऑफ हो जाएगा, देख सकते हैं पावर ऑफ हो गया। अब हमें फिर से एक बार पावर ऑन करना है दोस्तों यहाँ पर और अब देखते हैं इसकी हेड स्क्रॉलिंग हो रही है और ये अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर से हेड में वाइब्रेशन हो रही है और इंक लोड कर रही है, आवाज़ आ रही है दोस्तों यहाँ पर। तो अभी हमारे थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी हमारा हेड स्क्रॉल हो रहा है दोस्तों यहाँ पर और सिंपली अभी हमारी जो लाइट है अभी सिर्फ एक जल रही है और देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइट आ रही है, सिंगल लाइट में यहाँ पर रुक गई है, यानी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ये दो स्टेप है दोस्तों, अगर आपने वीडियो को स्किप किया हुआ तो आप लोग ये इसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें तभी आप लोग समझ पाएंगे कि इसमें दिक्कत कहाँ पर थी और क्या थी। क्योंकि बहुत से लोग इसको रिस्टार्ट करने को बताए थे लेकिन उससे भी नहीं होता है, तो जो हमने सॉल्यूशन बताया था ये इसी सॉल्यूशन से हुआ है दोस्तों। तो अगर आप लोग के प्रिंटर में अगर इसमें सॉफ्टवेयर चाहिए जैसे कि इसका रिसेटर चाहिए आपको, तो उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, हम लोग सबसे कम रेट में अवेलेबल करवाएंगे। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।